गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मौसम देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है हर तरफ। मतलब ऐसे कोहरे में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, किसी भी झाड़ी के पीछे भालू मिल सकता है आपको कोहरे में। ख़ास तौर पर अकेले तो बिल्कुल भी ना जाएं इतने कोहरे में। इंतज़ार करें थोड़ा, 7-7:30 तक धूप आने का, उसके बाद देखते हैं कोहरा छटता है कि नहीं छटता है। लेकिन एमरजेंसी है तो हिम्मत करके तो जाना ही पड़ेगा यार, कोहरे में भी नहीं है। लो जी, 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी मौसम नहीं खुला और उल्टा बारिश शुरू हो गई है, तो इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो अब भाई जी, जो भी काम करने पड़ेंगे या तो छाता लेके या रेनकोट लेके करना पड़ेगा, और भारी बारिश में करना पड़ेगा क्योंकि जीवन तो चलता ही रहेगा ना, चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी हो। अब ये तो है नहीं कि बारिश हो रही है तो भूख नहीं लग रही होगी, भूख तो पूरी लग रही है भाई, 6:30 बजे ही सुबह सुबह। तो सुनने में ये भी आया कि मोदी जी ने 5% GST टैक्स बढ़ा दिया है, ये आटे पे, दही पे, दूध पे। वाह मोदी जी वाह, आपने तो बोला था GST लाए हैं, कभी टैक्स नहीं लगाएंगे आटा दूध दही पे, मक्खन भी महंगा कर दिया। अबे यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या चाह रहे हो? तुम तो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए देंगे भाई तुम्हारे चक्करों में, हमने नौकरियां छोड़ के तुमको वोट दिए कि चलो अब 15 लाख आ रहे हैं, जरूरत नहीं है नौकरी करने की है। 15 लाख तो आए नहीं आए भैंजो टैक्स भर भर के, और अब तो भैंजो आटा चावल राशन पे भी टैक्स लगा दिया। वाह मोदी जी वाह वाह वाह, झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, जो भी हो सके झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। वाह मोदी जी वाह वाह मोदी जी वाह। अब मोदी जी ने यहाँ बारिश भी करवा दी, अब हम मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले तो मोदी जी यहाँ बारिश करवा दें। वाह मोदी जी वाह वाह मोदी जी वाह वाह। क्योंकि बाहर लगी है भयंकर बारिश, तो आज हम अंदर गैस पे या तंदूर पे भोजन बनाएंगे, देखते हैं किस पे बनता है, तंदूर पे बनता है या गैस पे। और इधर प्यारा लड्डू आराम करता हुआ, उनको नहीं दिख रहा।